सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना स्पीड न्यूज़ विच आप सब दा स्वागत करती हूं। कानपुर विच 8 पुलिस वालियां दी हत्या करके 6 दिनों तों फरार उत्तर प्रदेश दे गैंगस्टर विकास दुबे नूं मध्य प्रदेश दे उज्जैन तों गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 6 दिनों तों उत्तर प्रदेश दीआं 40 पुलिस दीआं टीमां उस दीआं तलाश कर रही सन। दस्सिआ जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर विच पर्ची कटाई है अते इस तों बाद उसने खुद ही आत्म समर्पण कर दिता है। फिलहाल स्थानक पुलिस ने उसनूं गिरफ्तार कर लिता। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उधर गिरफ्तार किए गए अत लोड़ींदे खतरनाक अपराधी विकास दुबे का एक होर करीबी साथी प्रभात मिश्रा पुलिस ने मुकाबले दौरान ढेर कर दिता है, जदों की इटावा विच विकास दुबे का एक होर साथी रणबीर शुक्ला भी मार सुटिया गया। महामारी तो सब तो ज्यादा प्रभावी देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो बाद दूसरा सब तो ज्यादा प्रभावी देश ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई नूं लैके भरोसा जताया। उन्हें आख्या है कि वह इस दवाई की मदद नाल महामारी की लाग तो जल्द ही उभर आएंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 96 साल की एक बेबे ने महामारी को मात दे दी है। कर्नाटक में इस वायरस तो मुक्त होने वाली 90 साल तो वधेरी उम्र की वह दूसरी मरीज है। मध्य मुंबई के दादर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रिहायश राजगृह में हुई भनतोड़ की घटना के संबंध में पुलिस ने एक शक्की व्यक्ति को गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के बांदीपुरा के जिला प्रधान शेख वसीम बारी उनके पिता बशीर अहमद और भरा उमर बारी ने बांदीपुरा जिले के मुस्लिमाबाद इलाके में घर के बाहर अतवादियों ने गोली मार दी है। जानकारी मुताबिक उक्त नेता 8 सुरक्षा कर्मचारी मिले हुए सन, पर घटना के समय कोई भी सुरक्षा कर्मचारी उनके नाल मौजूद नहीं सन। बारी का घर बांदीपुरा पुलिस थाने के बिल्कुल सामने है। सूत्र का आखना है कि तीनों हस्पताल में ही मृतक ऐलान दिया गया। भारतीय रेलवे ने देश भर में चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। नाल ही कुछ ट्रेनों रोजाना चलाने की थां हफ्तावारी चलाने का फैसला किया गया। उत्तरी रेलवे ने ट्वीट करके यह जानकारी साझी की है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने CBSE की तर्ज से हरियाणा स्कूल सिक्ख्या बोर्ड तो 9वीं तो 12वीं जमात तक का सिलेबस घट करने की मांग की है। इस नाल ही संघ ने 8वीं जमात की बोर्ड इम्तिहान लागू करने का फैसला स्वागत किया। संघ ने अगले सैशन तो बोर्ड इम्तिहान लैण और 5वीं जमात लई भी बोर्ड इम्तिहान लागू करने की मांग की है। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में सैशन 2020-21 लिए 153 कोर्सों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ने इस संबंधी वैबसाइट भी लॉन्च की है। दाखिले लिए ऑनलाइन फार्म भरया जाना है, इसलिए आखिरी तारीख 10 अगस्त है। NGT ने दिल्ली दीआं सड़कां ते 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों ते पाबंदी विच तब्दीली दी एक पटीशन ते विचार करन तों इनकार कर दिता। इस आधार ते पाबंदी खत्म करन दी मांग कीती गई सी कि इन्हां वाहनों नूं मंजूरी देण नाल महामारी दौरान सीनियर नागरिकां दी जान बचाई जा सकेगी। सरकार वल्लों कीते गए 6 पैसे प्रति किलोमीटर बस किराए विच वादे ने प्राइवेट ट्रांसपोर्टरां नूं अपने वल आकर्षित कीता है, जिस कारण हुण प्राइवेट अते सरकारी बसां लगभग एक बराबर चल रहीआं ने। इस नाल घट गिनती विच जाण वालीआं बसां नाल हो रहे नुकसान विच कमी आ रही है, उते ही सरकारी बसां नूं मुनाफा भी होण लग्गिआ। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक कोविड स्पेशल रेल विचों कस्टम विभाग रोकथाम अधिकारी ने गैर कानूनी रूप नाल ल्यांदी गई 4.5 लाख रुपए की सिगरट जब्त की है। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सब तो वड्डे शहर मेलबोर्न में महामारी के मामलों में वाधे को देखते हुए दूसरी बार लॉकडाउन लगाया गया। नवे आदेश के तहत करीब 50 लाख मेलबोर्न वासियों को अपने घरों से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री जापानी रक्षा मंत्री और अमेरिका रक्षा मंत्री ने वाशिंगटन में एक मीटिंग सदी है। मंत्रियों ने हिंद प्रशांत खेतर की सुरक्षा करने का संकल्प किया है, नाल ही स्थिरता और खुशहाली को बढ़ाने लिए अपने सांझे मूलों और लंबे समय तक गठजोड़ और करीबी साझेदारी को बनाए रखने पर भी संयुक्त वचनबद्धता प्रगटाई है। ये 3 देशों के रक्षा नेताओं दरमियान 9वीं मीटिंग थी। चीन ने हांगकांग के एक होटल को अपने नए राष्ट्रीय सुरक्षा दफ्तर में तब्दील कर दिया है। लोकतंत्र समर्थकों के विरोध प्रदर्शन लिए सबसे मशहूर सिटी सेंटर पार्क में यह होटल स्थित है, जिसको चीन ने हेडक्वार्टर में बदल दिया है। यूक्रेन में जंगलों में लगी आग कारण हुई मौतों की गिनती अब 5 हो गई है। स्टेट एमरजेंसी सर्विस ने यह जानकारी साझी की है। सो इस समय तो आ गया, धन्यवाद।